कुछ सेवाएं कहते हैं हम आजीवन करते रहेंगे, और कुछ सेवा ऐसी है जो अगर कहते हैं ये सेवा आपने कर ली तो फिर कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ हो जाएगा, जिंदगी आपकी ऐसी हो जाएगी कि जैसे कि कहते हैं ना कि हर हाल में खुशनुमा अपने आप को महसूस करोगे। तो वास्तव में हमें ये सेवा कर लेनी चाहिए। अगर ये सेवा हमने कर ली तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये कौन सी ऐसी सेवा है? हम रोज सत्संग सेवा सिमरन करते हैं और करते रहेंगे। वास्तव में हमें सद्गुरु ने क्या सिखलाई दी है, सद्गुरु हमें क्या बताना चाह रहे हैं, सद्गुरु हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, सद्गुरु हमें किस रास्ते लेके जाना चाह रहे हैं, और हम किस रास्ते जा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, और सद्गुरु क्या करवाना चाहते हैं हमसे, कैसी सेवा हम कर रहे हैं, सद्गुरु हमसे कैसी सेवा चाहता है, और सत्संग हम कैसे कर रहे हैं, सद्गुरु हमें किस तरह से सत्संग करने को कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज आपको बताऊंगा कि अगर ये सेवा हम सभी ने कर ली एक बार, कहते हैं कि कुछ काम हमें बार बार करने से भी वो प्राप्ति नहीं होती है, और कुछ काम ऐसा कि एक बार कर दो और आजीवन के लिए छुट्टी। जैसे कि आपने देखा होगा LIC का पेंशन प्लान आता है, फिक्स डिपॉजिट, एक बार पैसा दे दो 10 साल बाद आपको इतने महीने में पेंशन मिलेगी और मरने के बाद ये भी मिलेगा। एक बार आपने दिया, और एक वो होता है जो हर महीने तीसरे महीने 6 महीने साल में आप पैसे जमा करो फिर ये मिलेगा, मतलब वो एक अलग प्लान हो गया। तो ये आपको एक ऐसा, सही बता रहा हूँ कि हम कर नहीं पा रहे हैं, हमारी ये बहुत ही कहते बदकिस्मती है कि हम ये कर क्यों नहीं पा रहे हैं। हम अभी भी कहते ना कि कमरे में हम बैठे हैं और चारों तरफ लाइटें ही लाइटें हैं, और हमें बैठा दिया गया उजाले में, और फिर हमने अपनी पलकें बंद कर ली और बोलते हैं कि अंधेरे में हैं, हम अभी भी अंधेरा है। अंधेरा नहीं है, हम उजाले में हैं। वो हमारी कहते हैं भौतिक सुखों की भौतिक प्राप्ति के लिए हमने अपनी पलकें बंद कर ली हैं, और हमें वही दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ उजाला, लाइटें लगी हुई हैं। यहाँ तो आपका छोटी सी सुई भी दिख जाएगी, राई का दाना भी आप ढूंढ सकते हो, छोटी छोटी चीज आपको दिख जाएगी, और वहां आप कह रहे हो कि मैं अंधेरे में हूं। कहते नहीं हो, मतलब उन कर्म से पता चल जाता कि अभी आप अंधेरे में हैं। तो कुछ बातें ऐसी होती, हम छोटी छोटी बातों में भयभीत हो जाना, छोटी छोटी बातों से हम एकदम फूले ना समाना, तो ये सब क्या है? तो इनसे सब, इन सबसे हमें पता चल जाता है। अगर कहते हैं हम, सद्गुरु ने कहा भी है एक बार नहीं ना जाने कितनी बार हमें हर चीज निस्वार्थ भाव से करनी है, मानव को हो मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा, तो यही सब कुछ हमारे जीवन में अगर सब कुछ ढल जाए, जैसा कि सच्चे पाशाह में बताते हैं, सद्गुरु हमें बताते हैं कि हमें किस तरह एक दूसरे के साथ पेश आना है, किस तरह बोलना है, तो वास्तव में जीवन हमारा हर हाल में सुखमय हो जाएगा, ना चाहते हुए भी हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि गरम तेल में कोई चीज डाल दो, उसको पकना हो ना पकना तेल अपने आप पका ही देगा, क्योंकि उसके संपर्क में आ गया, उसमें डुबकी लगा दी, सागर में डुबकी लगा दो। तो ये कहते हैं भवसागर से पार होना है तो सद्गुरु के वचनों में डूब जाओ, अपने आप को भुला दो। तो आज आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी सेवा है कि अगर ये सेवा हमने कर दी तो वास्तव में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस चलते चले जाना, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, आपकी जिंदगी कहते आप बख्श दिए जाओगे, 84 के चक्रों से आपको मुक्ति समझो मिल गई, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अगर आपने ये सेवा कर दी तो 84 से आपको मतलब बच गए, अगर कर दी तो, और कैसे कर दी ये आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले सभी जानकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो जो भी पहली बार देखा
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। जो हमसे छोटी सी भूल होती है जरूर बख्श लेना। कई बार आजकल एक दो कमेंट ऐसे आ जाते हैं, बहुत तकलीफ पहुंचती है, उल्टे सीधे कमेंट आते हैं तो बहुत दुख होता है। हम कोई झूठ बात, तो ऐसी वैसी बनावटी बातें हम कह नहीं सकते। ये तो इतने बड़े तो ज्ञानी तो है नहीं कि बैठ गए ज्ञान की बातें हम बोलने लग गए। कुछ किताबों की बातें, कुछ अपने किसी से सिखलाई मिली, कुछ महापुरुषों की वीडियो डाल देता हूँ, कुछ बहनों की बातें डाल देता हूँ, कुछ ऐसे भजन कीर्तन तो आते नहीं है, कुछ किताबों की बातें, अवतार बाड़ी, हरदेव बाड़ी, तो ऐसे ही है। बुरा लगता है जब कोई गलत कमेंट करता है, तो बख्श लेना। हमसे कोई गलती हो जरूर कमेंट करके बता दिया करो। तो आपको बताते कौन सी ऐसी सेवा है निष्काम भाव। अगर ये सेवा वास्तव में हमें यही सेवा करनी है, अगर ये हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम ये कर क्यों नहीं पा रहे हैं। कि हमें सच्चाई पता होने के बावजूद भी सच क्या है ये भी पता चल गया है, उसके बावजूद हम सच की राह पे चल क्यों नहीं पा रहे हैं। अभी भी हम मनमति में हैं, अभी भी हम गफलत की नींद में सोए हुए। बाबा जी कहते थे उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो अभी भी हम गफलत की नींद में सोए हुए हैं, वास्तव में लग रहा गफलत की नींद में हम सोए हुए हैं, अभी भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको बताता वीडियो ज्यादा लंबा ना करते, छोटा सा ही वीडियो है, मैं आपको बताता हूँ ये चीज अगर इस सेवा में हमने दे दी, समर्पण कर दिया, तो वास्तव में समझो सब कुछ हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब कैसे करने की जरूरत नहीं, ये भी आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि ये ना बहुत ही कहते हैं कि ये बातें बनावटी नहीं होनी चाहिए, सच 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 होना चाहिए, 1000% सच होना चाहिए जो बातें कहते हैं ना। अपने जीवन में बहुत से ऐसे बहुत से वीडियो है जो मैंने अपने खुद की जिंदगी से बीते हुए आप जी के सामने शेयर किए हैं, मगर हमने नाम नहीं लिया। क्योंकि देखो कभी बार बहुत सी हमारे जीवन में घटनाएं घटी हैं, आप जी को अक्सर कई बार छोटी छोटी बातों को मैं अपने बारे में बताता रहता हूँ कि अपने जीवन में चढ़ाव कम और उतार ज़्यादा रहे हैं, कि दुखों का सामना, तकलीफों का सामना, परेशानियों का सामना हमने ज़्यादा किया है, सुख तो क्षणभंगुर हमारे पास कभी मिले ही आए नहीं है। कहते थोड़ा सा ऊपर चढ़ता हूँ और जितना चढ़ता नहीं उससे ज़्यादा नहीं नीचे ढल जाता हूँ। इसके बारे में भी मैं अपने बारे में खुद वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो आपको बताता हूँ। सभी से निवेदन है, वीडियो एक एक सेकंड का बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि कहते हैं सबसे अच्छी जो सेवा समर्पण जो है, अगर हमने ये वास्तव में अगर कर दिया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या है आपको बताता है, तन मन धन। अगर ये चीजें हमने कहते 5 पद जब हमें मिले थे तो तन मन धन परमात्मा का है, ये उसी का समझना, इसका अहम नहीं करना। कहते हम किसी को उधारी में देते हैं तो उस पर अधिकार बना रहता है, हम बेच देते तो पैसे मिल जाते हैं, आग खत्म हो जाता है, और सेवा भी कर देते, सेवा निस्वार्थ होती है। अगर हम निस्वार्थ भाव से तन मन धन परमात्मा का है, सदगुरु को हम समर्पण करते ये चीजें, तो समझ लो सारी सेवा हो गई। अब हम अपने आप पे ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि तन तो दे दिया इसका है, इसका था हमें पता नहीं था, इसका है हमें पता नहीं था, पता चला तो दे दिया, ये लो भाई अपना तन अपना संभालो जैसे मर्जी चलाओ। मन, अरे मन तो हमारा इधर तो भटक रहा था, हमें पता ही नहीं मन यहाँ का है, मन सदगुरु का है, परमात्मा का है, इसी का है, तो भाई जिसकी अमानत उसको दे दो, मन दे दिया। हम काम करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, कुछ धन की प्राप्ति होती है, वो मैंने कमाया, और आज तो 8 घंटे के बजाय हमने 10 घंटे काम किया, 2 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम लगाया, उसका पैसा मिलेगा कहाँ से, इसकी वजह से, इसने दिया है, तो ये भी इसी को समर्पण कर दो। अब 8 घंटे के बजाय 10 घंटे ड्यूटी आपने कर ली है और आपको 400 की बजाय 500 की प्राप्ति हो गई है, तो 400 तो है, 500 भी दे दो तो 500 के आपको 1000 करके देगा, क्योंकि आपको कुछ करने जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोला कि कुछ करने जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार कर दो। जब ये तीनों चीजें हम सेवा में दे दी, समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, अब कानून का काम है आपके साथ कैसा बर्ताव करना, अच्छे से अच्छा होगा। तो हम तो यही कहते हैं कि तन मन धन परमात्मा का है, और ये हमें ज्ञान लेने के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में परमात्मा का ही है, इसमें हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। जैसे कि हम काम चलाने के लिए किसी की वस्तु, कोई चीज मांग लेते हैं, सुबह से शाम तक के लिए मांग लेते हैं, आधे घंटे के लिए मांग लेते हैं, रुपए पैसे मांग लेते हैं
कि हम किसी से पैसे भी लेते हैं तो 2 दिन की बजाय 30 दिन हमें लौटाना तो पड़ेगा, ये हम पहले से ही जानते हैं कि हम ले रहे हैं हमें देना पड़ेगा। तो ऐसे ही तन मन धन जब हम जान लेते हैं, हमें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि ये परमात्मा का है, इसमें हमारा कोई भी मालिकाना हक नहीं है, ना धन पे है, ना तन पे है, और ना ही मन पे है, इसका मालिक तो सद्गुरु है, तो इसको दे दो ना, अब दे दो तो बात खत्म। अब हम छुट्टी, हम कहते ना किसी की जिम्मेवारी हो, भैया किसी ने आपको ताले की चाबी सौंप दी, हम जा रहे सुबह से शाम तक आएंगे, अब आपको पता ही ये ताला तो लगा, चाबी मेरे हाथ, पूरा मकान मेरा है, अब जो मर्जी कर सकते हो, उसके आने से पहले जो मर्जी कर सकते हो, मगर जो उसके पीछे से आप करोगे वो चोरी कहलाई जाएगी, उसमें आपको तकलीफ होगी, बुराई होगी, और आपको ये पता है चाबी हमें शाम को लौटानी, क्योंकि हम पे बहुत भरोसा था उसको, इसलिए हमें अपने घर के मकान की ताले की चाबी दी है, ताला लगा के चाबी हमें सौंप दिए, लो मालिक बन जाओ, मालिक बन जाओ सुबह से शाम तक के लिए, तो चाबी हमें लौटानी हमें शाम तक को, शाम तक का हमें वक्त मिला है, जैसे बातें उनको चाबी दे देंगे, जैसा मकान भर मकान उससे हमें, हमने अधिकार तो नहीं जमाया ना, उनके घर का टीवी हमारा, टीवी देख सकते हो, आपको पता उनका है, बेड उनका है, सोफा उनका, फ्रिज उनका, एसी लगा, ठंडी हवा खा सकते हो, मगर आपका हक नहीं है ऐसे ही, तो इस पे हक ना जताते हुए इस हर तीनों चीजें अगर सेवा में दे दी तो वास्तव में हम 84 से बच जाएंगे, हमें कोई भी ऐसी, अब कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो हमें 84 में भेज सके, कि सदगुरु के समर्पण में वो शक्ति है, कहते ये 3 चीज हमने दे दी तो सारी दुनिया के सुख हमारे पास आ जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तकों के, धनंकार जी और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।